भाकियू कार्यकर्ता नाचते गाते चले दिल्ली बॉर्डर। बुलंदशहर से सैकड़ों की तादाद में भाकियू कार्यकर्ता हुए दिल्ली के लिए रवाना। पद यात्रा कर बुलंदशहर से दिल्ली के लिए निकले सैकड़ों किसान। टोल प्लाजा होगा किसानों का पहला पड़ाव। टोल प्लाजा पर आराम करने के बाद आगे बढ़ेगी पद यात्रा। बुलंदशहर से इकराम खान की रिपोर्ट। तो प्रधान भारतीय किसान यूनिट गए पदयात्रा कर रहे हैं, कहाँ से पदयात्रा स्टार्ट की है और कहाँ जा रहे हैं? ये मस्तराम गंगा घाट अमुखैर से स्टार्ट करिए और इसके चार पड़ाव है, पांचवें पड़ाव तक पहुँचेगी यूपी दिल्ली गेट, जहाँ किसान 6.5 महीने से पड़ा है अपनी मांग को लेकर। आज किसान है, दर्द हो रहा है, उस किसान का गेहूँ नहीं दिख रहा, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, मक्का के कांटे नहीं लग रहे, एमएसपी पर जो कानून नहीं बन रहा, काले कानून तीनों वापस नहीं हो रहे, कोरोना काल में घर बैठे मर रहे हैं। तो किसान ने सोचा है कि अब मरेंगे तो लड़ते हुए मरेंगे, अपने अधिकार के लिए मरेंगे, घर में पड़े ना मरे। रोड पर चल दिए, बहुत भारी गर्मी है, हर किसान ये तो एक तहसील अनुपैर से ही है। अब अभी देखियो घूर पर होंगे, वहाँ शायद खुर्जा तहसील आ गई है हमारी, कल टोल पे होगा पूरा जिला, हजारों आदमी। कुछ कहीं ना कहीं सरकार के मन में क्या है कि टिकैत साहब ने कह रखी है, यहाँ मत आओ भाई, तुम काम करो अपना, बना कर रखो थोड़ी दूरी। किसान ने सोची टिकैत साहब बहुत मान ली तुम्हारी बात, माने नाम मीडिया में जोर आने लगी, कहे तो आदमी ना आज तो अब एक जिले से स्टार्टिंग हो गई है, सरकार देखेगी कि आदमी कहाँ से आ रहे हैं भगभग के। अब सरकार यो ना कह दे कि आप रहने दो आदमी ने, हम आपकी एमएसपी पे कानून बना रहे हैं, तीनों कानून वापस ले रहे हैं और भगवान ने चाही तो जो बढ़ा रही है उसे कटवा रहे हैं। अच्छा, ये कानून वापस